हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। टुडे विल बी स्टार्ट चैप्टर 13। मैं तो वही खिलौना लूँगा। कविता का उद्देश्य है बालहट से छात्र छात्राओं को अवगत कराना और जित से होने वाले नुकसानों के बारे में बताना। कविता का सार है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बालहट का अति सुंदर वर्णन किया है। बच्चे के लिए किसी वस्तु की कीमत कोई मायने नहीं रखती। वह तो बस उस वस्तु की ओर आकर्षित होता है जो उसे अच्छी लगे, भले ही वह मिट्टी की हो या सोने की। वह तो मात्र अपनी पसंद की वस्तु को प्राप्त करने के लिए जिद करता है। बालहट ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। कवि ने अपनी लेखनी से बालहट की को अत्यंत सुरीला स्वर प्रदान किया है। आइए देखते हैं, कविता स्टार्ट करते हैं। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार, उछाल उछाल व्यतीत हो उठी माँ बेचारी। था सुवर निर्मित वह तो खेल, इसी से लाल नहीं है राजा के घर भी यह तो। राजा के घर नहीं नहीं माँ, तू मुझको बहकाती है। इस मिट्टी से खेलेगा क्या राजपुत्र, तू ही कह दो। फेंक दिया मिट्टी में उसने मिट्टी का गुड्डा तत्काल। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया शिशु राजकुमार। बाल वह बाल पुचकार रहा था पथ में जिसको बारंबार। वह तो मिट्टी का ही होगा, इनमें वैसा एक नहीं। खेल रहा था उछल उछल कर वह तो उसी खिलौने से। राजहटी ने फेंक दिए तब अपने रजत हेम उपहार। लूंगा वही वही लूं मैं, मचल गया वह राजकुमार। एक ही खिलौने के लिए जिद किया था कि मैं लूंगा तो वही लूंगा, नहीं तो किसी से नहीं खेलूंगा। ओके, अब देखते हैं इसमें हमारे कुछ शब्दार्थ हैं जो आपको अपनी कॉपी में राइट करना है और इस पोयम को आपको लर्न करना है, क्योंकि ये पोयम आपकी आपके एग्जाम में भी आती है। तो ये पोयम मैं आपसे सुनूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ गुड डे।